छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य वन विकास निगम के अधिकारियों कर्मचारियों के नवनिर्मित आवासीय परिसर का लोकार्पण किया। इस भवन को 5,96,00,000 की लागत से बनाया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वन विकास निगम के अध्यक्ष देवेंद्र बहादुर सिंह को लाभांश और लीज रेंट के लिए 2,10,00,000 रुपये का चेक भेंट किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन के बन जाने से विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को बेहतर आवास की सुविधा उपलब्ध होगी। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास के लिए नवा रायपुर सेक्टर 26 में निर्मित आवासीय परिसर के लोकार्पण के अवसर पर वन विकास निगम को बधाई और शुभकामनाएं। इस भवन के बन जाने से विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। यह प्रसन्नता की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के गठन के 21 वर्ष बाद निगम द्वारा अपने स्वयं के आय से विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए 5,96,00,000 रुपये की लागत से 5 मंजिला भवन बनाया गया है। इस भवन में ट्रांजिट हॉस्टल, कम्युनिटी हॉल का भी निर्माण किया गया है, जिससे यहां पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।